मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष बीजेपी का साथ देते हैं। कमलनाथ के बारे में यह बात सुनकर आपको भी भरोसा नहीं होगा, क्योंकि यह कहना है मध्य प्रदेश बीजेपी प्रभारी मुरलीधर राव का। मुरलीधर राव की माने तो अकेले कमलनाथ ही नहीं, पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह भी भाजपा का साथ देते हैं। भोपाल में बीजेपी की बैठक में शामिल होने आए मुरलीधर राव ने कहा कि बीजेपी कांग्रेस को चुनौती नहीं मानती है, उनके लिए कांग्रेस एक परिवार का दल है। और अगर एमपी की बात करें तो कांग्रेस के दोनों बड़े चेहरे दिग्विजय सिंह और कमलनाथ बीजेपी का साथ देते हैं। राव की माने तो दोनों नेताओं के कामकाज का जो तरीका है वो बीजेपी को फायदा पहुंचाता है, फिर चाहे दिग्विजय सिंह को की बंटाढार की छवि हो या फिर कमलनाथ का मध्य प्रदेश से ज़्यादातर बाहर रहना, दोनों कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश भाजपा को फायदा पहुंचाने का काम करते हैं। उपचुनाव में जीत से उत्साहित मध्य प्रदेश भाजपा अब समृद्धि और स्थिरता का काम करेगी। रविवार को भाजपा राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक के बाद पार्टी के प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव ने कहा कि सरकार की नीतियां और पार्टी की गतिविधियां के बूते 51% वोट शेयर हिस्सेदारी बढ़ाना हमारे कार्यकर्ताओं के लिए लक्ष्य है। वहीं बता दें कि सोमवार को जब मुरलीधर राव मीडिया से चर्चा के दौरान उन्होंने कांग्रेस को आड़े हाथों ले लिया। उन्होंने कांग्रेस के दिग्गज नेता कमलनाथ और दिग्गी पर बातों ही बातों में तंज कस दिया। दरअसल कमलनाथ ट्विटर की राजनीति करते हैं, जिसको लेकर सीएम शिवराज जी भी उन पर आरोप लगाते नजर आते हैं। वहीं बात की जाए तो दिग्विजय की तो पूरे उपचुनाव में वह गोल रहे। वहीं बीजेपी के हर नेता ने चारों सीटों पर भरपूर रैलियां की, जबकि दिग्विजय ने बस ट्विटर की राजनीति की। यही कारण रहा कि मध्य प्रदेश बीजेपी प्रभारी मुरलीधर राव ने यह आरोप लगाया। भाजपा प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव ने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार और संगठन के बीच बेहतर तालमेल है, जिसके चलते भाजपा को जीत मिली। उन्होंने कहा कि सामान्य जीत नहीं है, खंडवा में हमने लोकसभा सीट बरकरार रखी, जोबट और प्रजीपुर में जीत हासिल की, इससे कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा। भाजपा प्रदेश प्रभारी ने कहा कि प्रजीपुर और जोबट बीजेपी के लिए मजबूत नहीं थे, यहाँ पार्टी का रिकॉर्ड अच्छा नहीं रहा था, खंडवा में हमारी पार्टी ने वापसी की है, इस जीत से भविष्य में कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ेगा, इस सफलता पर अभिनंदन है।